हाय गाइज, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू डूइंग ऑल। आज मैं काफी टाइम बाद व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ परेड ग्राउंड। वहाँ पे लगा हुआ है दुबई कार्निवल, तो पूरा कार्निवल मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ और आप लोग को भी दिखाने वाली हूँ। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। अब सीधा मिलेंगे कार्निवल में। बाय। बारिश में, हल्की हल्की बारिश हो रही है और तो रेनकोट में ही है। और आपको यहाँ पर आने के लिए यहाँ पर से टिकट कटाना पड़ेगा 50 रुपीज ईच पर पर्सन। ₹50 दुबई। दुबई का ब्रेज हिल रहा है यार। सबसे पहले एंटर करते ही आपको गणपति बापा की मूर्ति दिख जाएगी, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले एंट्रेंस में ये रखा हुआ था। एंड देन उसके बाद कुछ इस तरीके का व्यू आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। सच्ची में ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं बाहर फॉरेन कंट्री में पहुँच गई हूँ। काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज करा है, काफ़ी अच्छा लगा है, तो एक बार तो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। यहाँ मैं अपनी फ्रेंड को लेके जा रही थी बुर्ज खलीफा घुमाने के लिए। हमने सोचा हम इतने दूर दुबई चल के आए हैं तो अच्छे से घूमते हैं, तो हम जा रहे हैं अभी बुर्ज खलीफा घूमने के लिए। और गाइज, अगर आपको भी घूमने के लिए आना है तो डू विजिट हियर। सो गाइज, उसके बाद हमने थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर किया था, उसका भी मैंने हल्का फुल्का व्लॉग बनाया है, तो आप इन्जॉय कीजिए। सबसे पहले ये बैग की शॉप दिख गई थी, यहाँ पर बेल्ट वगैरह था और बैग्स की कलेक्शन काफ़ी अच्छी थी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने प्राइस वगैरह तो पूछा नहीं क्योंकि मेरे को बाय नहीं करना था, तो मैंने पूछा नहीं। और ये आगे घाघरा वगैरह का स्टॉल लग रखा था और ये सूट का स्टॉल लगा हुआ था यहाँ पर, और गेम्स वगैरह भी थे यहाँ पर। बट सबसे मेन काम मैं गई थी यहाँ पर ज्वेलरीज लेने और इयर रिंग्स वगैरह लेने, और ये कस्टमाइज नेम बोर्ड वगैरह भी था यहाँ पर। माई YouTube चैनल प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब शेयर लाइक राजनलाल 255। यहाँ पर स्टॉल लगाया अंकल ने, इनके चैनल को सपोर्ट कर देना। ये नेम पेंडेंट वगैरह आप लोग को मिल जाएंगे यहाँ पर, ब्रांस के थे ये, तो काफ़ी अच्छे थे, तो आप चेकआउट कर सकते हो। 500-250 वगैरह के थे। उसके बाद मैं आ गई थी अपने फेवरेट शॉप में झुमकीज़ वगैरह का कलेक्शन एक्सप्लोर करने के लिए, काफ़ी अच्छी थी। बैंगल्स वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, एंकलेट्स वगैरह, चोकर सेट, इयर रिंग, पार्टी वेयर इयर रिंग सब कुछ अवेलेबल था, तो आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद हम ये बुक स्टोर आ गए थे। कौन सी बुक ली है? ये अच्छी है, बहुत पास है, रिव्यूज अच्छे हैं। उसके बाद दूर से मेरे को इस सूट का कलेक्शन काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैं चली गई थी यहाँ पर। साड़ीज़ वगैरह भी थी और साड़ीज़ आंटी बोल रही थी 600 रुपीज़ की ईच थी, और ये जो सारे सूट सेट लगे हैं ये ₹1000 का वो बोल रहे थे, बट बार्गेन करके आप कम करवा सकते हो। मेरे को तो बाय करना नहीं था, तो फिर मैंने कुछ ऐसा बार्गेन वगैरह नहीं किया। अगर आप ये कार्निवल विजिट करते हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको ये वाले शॉप में ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर सारे सामान 20 रुपीज़ के थे और बहुत ही अमेजिंग थे। मैंने यहाँ से बाय भी किया है, वो मैं वीडियो के एंड में आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी।
उसके बाद अपोजिट साइड में ये फूड कॉर्नर्स और सारे ही झूले वगैरह आप लोग को दिख जाएंगे। और मैं यहाँ का फूड ट्राई नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था हमको, इसलिए मेरे को आना पड़ा, तो इसका रिव्यू मैं नहीं शेयर कर पाऊंगी। बट मेरा बहुत मन था ट्राई करने का, बट काफ़ी लेट हो गया था हमको घर आने के लिए, तो फिर हम फटाफट से जल्दी जल्दी आ गए। मैं कार्निवल से वापस आ चुकी हूँ और कार्निवल परेड ग्राउंड में नहीं लगा है, वो रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड में लगा है जो कि सेंट थॉमस कॉलेज के जस्ट अपोजिट है। और सेंट थॉमस कॉलेज से ही मैंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया है, तो काफी नॉस्टैल्जिया हो गया था। बट कार्निवल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है, कुछ हटके लगा है, आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, तो आप विजिट कर सकते हो। बाकी जो नॉर्मल मेला जैसा लगता है वैसे ही लगा है, सारे टाइप के वहां पर आपको कॉस्मेटिक वगैरह झूले वगैरह सब मिल जाएंगे जो कि आपने देखा ही होगा व्लॉग में। और डेट मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट कि कब तक है, बट अभी तो लगा ही रहेगा, तो आप विजिट कर सकते हो। और अगर किसी को एग्जैक्ट डेट पता है कब तक लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और बाकी अच्छा है वहां पर, मतलब मैंने फूड ट्राई नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया था, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई। बाकी आप लोग देख लेना, काफी अच्छा है, मेरे को तो अच्छा लगा। तो आप विजिट कर सकते हो एक बार, अपनी फैमिली वगैरह के साथ एंजॉय कर सकते हो। और गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, बाय। तो गाइज मैंने सोचा वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ मैंने वहाँ से क्या क्या बाय किया है। मैंने ये क्लेचर बाय किया है, क्लॉक क्लिप्स जो कि 20 रुपीज़ ईच के हैं, सारे ही 20 रुपीज़ ईच के हैं। और ये ब्रेसलेट बाय किया था मैंने, और ये क्लिप का सेट, ये वाला क्लिप का सेट, और ये हेयर बैंड मैंने अपनी सिस्टर के लिए बाय किया है। तो ये सब मैंने बाय किया है, इस टाइप का सामान आपको मिल जाएगा वहाँ पर, सारे ही 20 रुपीज़ ईच के थे, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। बाय। Sit and do nothing.